थार, रॉक्स, फाइव डोर, भाई पूरा रैंगलर वाला मजा है। 80 लाख रुपए का मजा, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए में मिल रहा है, और वो इतनी प्यारी चीज है कि आप भाई अपनी रॉक में और थार में जरूर लगवाओगे। तो ये चेक करो, यहाँ एसी वेंट के साथ था, नीचे जो मैट लगा है वो बुलोन कंपनी का प्रॉपर फिटमेंट के संग 70 मैट है भाई। मेगा ऑडियो कंपनी का भाई ड्यूल सबवूफर वाला लगा है। इसमें क्या है, इसमें दो बूफर है, अगर आप चेक करो तो एक बैक साइड में और एक फ्रंट साइड मेटल की, उसमें एयर मैच नहीं थी। ये डिजाइन जो है आपको, ये रैंगलर 2024 ओरिजिनल डिजाइन मिलेगा। बेस जो आपको लगा गाड़ी के अंदर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी बेस की पूरी होगी पूरी भाई, मतलब छोटी सी चीज के अंदर ना बड़ा धमाका है। ये चेक करो रॉक्स की हेडलाइट और ये थार की हेडलाइट, थोड़ी आपको सिमिलर लगेगी। उसकी वजह ये क्योंकि हमने इस थार के अंदर जो हेडलाइट डाली वो डाली हमने DSC कंपनी की, एक ब्रांड डाला भाई इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमने ये दो रियर के, एक इसमें फ्रंट भी लगेगा, तो फ्रंट वाला जो आर्मरेस्ट है और रियर वाले तीनों मिला के भाई पता कितने रुपए के सेल प्राइस में, सिर्फ 4000 रुपए के अंदर हम तीनों आइटम देते हैं। तो नमस्कार सभी भाइयों को, भाई यहाँ पर गाड़ी की ग्रिल बम्पर मैच करते करते आज तो भाई कपड़े ही मैच हो गए। यहाँ चेक करो भाई थार रॉक्स, यहाँ आ जाओ दिखाता हूँ आपको भाई। गाड़ी ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के साथ था भाई, सूट भी आज ब्लैक एंड रेड कलर का है, शर्ट रेड कलर की और ब्लैक कलर की पैंट। यहाँ देखो भाई इसका नीचे वाला पार्ट ब्लैक, ऊपर वाला रेड, तो यहाँ मैचिंग होगी। अब भाई ये देखो, ये व्हाइट कलर भी जो है ना गाड़ी पे जो आगे फूल भी लगे वो भी व्हाइट कलर लगे हुए, तो यहाँ पूरी मैचिंग के साथ आज काम करूंगा क्योंकि मजा आ गया भाई, कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त मिला। फिलहाल हम बात करेंगे इस गाड़ी की, क्योंकि ये आपको दिख रही होगी भाई कि मार्केट में गाड़ी जो है बहुत दबा के आने लग गई है। थार रॉक्स फाइव डोर, भाई पूरा रैंगलर वाला मजा है, 80 लाख रुपए का मजा, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए में मिल रहा है, और इतना जबरदस्त मजा भाई इसके ना, हम बहुत अच्छी आपको इतनी चीजें देने वाले हैं क्योंकि इसको आप पूरी की पूरी एग्जैक्टली सेम रैंगलर टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कुछ गाड़ी का काटे पीटे, तो वो भी बहुत जल्दी चीज आने वाली है। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, इस गाड़ी में एक्सेसरी का काम है, कुछ मेजरली चेंज नहीं है। वो है भाई एसी वेंट, गाड़ी में रिफ्लेक्टर हो गए, बूफर लगना है इस गाड़ी के अंदर, जो छोटे छोटे काम होने वो सारे गाड़ी के अंदर होने, क्योंकि गाड़ी में अभी क्या ग्रिल जो है हमारे पास रेड कलर में स्टॉक में नहीं है, तो ग्रिल भी इस गाड़ी में, बम्पर भी लगाएंगे बाद में फेंटर भी लगाएंगे जो हमारे रेंगुलर स्टाइल है, बट बिना किसी कटिंग करे हुए। उसके अलावा जो ये वाली गाड़ी है ये भी हमारे पास आई है भाई, ये भी 4x2 गाड़ी है जिसके अंदर टोटल काम हो रहा है, इसके अंदर लाइटिंग से लेकर ग्रिल से लेकर सारा काम इस गाड़ी के अंदर हो रहा है। वो वाली गाड़ी की बात करके दिखाऊंगा आपको, तो भाई उस गाड़ी के अंदर जो है वो लग रहा हमारा रैंगलर वाला बम्पर, तो उस गाड़ी में पहले बम्पर लगा था और टूट गया था, तो फिलहाल आ जाओ पहले वही गाड़ी फ्री होगी तो वही आपको दिखाते हैं कि उस गाड़ी में हमारा रैंगलर वाला बम्पर लगा। आ जाओ ये देखो भाई, फिलहाल आपको दिखा दूं गाड़ी के अंदर काम जो है वो चल रहा है, बड़ी सुंदर गाड़ी लगती है भाई ये तो। अंदर इंटीरियर एसी वेंट जो है इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर भाई फ्रंट लुक की बात करो तो ये देखो, देख रहे हो भाई व्हाइट कलर के फूल पूरी मैचिंग है, जबरदस्त मजा आ गया तो भाई ये देखो, और गाड़ी की लुक तो इतनी जबरदस्त लगती है, बल्कि गाड़ी भाई उस गाड़ी और इस गाड़ी में ना बड़ा फर्क है, इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। फ्रंट लुक की बात करो तो इस गाड़ी का बम्पर दिखाता हूँ आपको, ये देखो चेक करो, रैंगलर स्टाइल बम्पर है, इसमें जो ग्रिल है वो बुलोन ब्रांड की नहीं है, सो इसके अंदर जो ग्रिल लगी हुई है वो लगी हुई है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली ग्रिल है वो है, जो आपको रैंगलर स्टाइल में नहीं मिलेगी। बट एक जनरली ये भाई खड़े हमारे साथ में, गाड़ी भैया की है, तो भाई एक चीज पूछूंगा आपसे, कब लगवाई थी ग्रिल आपने भैया? ये इसको हो गया भैया 1 साल हो गया, मतलब आपके हिसाब से ठीक है या क्या है? मेरे हिसाब से तो एवरेज है, मतलब मजे वाली चीज नहीं है, रफ हो गई भाई, मजे वाली चीज नहीं है और ग्लॉस पन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। देखिए क्या होता है कि ग्रिल 7 स्लॉट मांगी जाती है, 7 स्लॉट का मतलब हो गया ये स्लॉट 7 है, लेकिन 7 स्लॉट में ओरिजिनल जो बुलोन की आती है उसमें पहली बार रैंगलर वाला कर्व होता है और इनसाइड की जो जाली होती है वो मेटल की होती है, तो ये काफी चीजें भाइयों को नोट डाउन नहीं होती, ये चेक कर लेना। यहाँ पर जो बाकी काम के साथ साथ रैंगलर वाला जो बम्पर है वो भी बुलोन कंपनी में लगा हुआ है, स्पेस कवर आप देखो तो यहाँ पर बुलोन कंपनी के साथ साथ बम्पर भी चेकआउट कर लेना, अगर आप कहीं से लेते हो तो ओरिजिनल बम्पर बुलोन का आपको ये स्क्रू के साथ में मिलेगा विद मेटल हुक के साथ में। तो ये इस गाड़ी के अंदर बेसिकली काम था, बाकी काम हो रखा है, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई कि सारा काम अभी हुआ है, पहले हो रखा था, फिर बम्पर लगा, बाकी अब चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी के। तो भाई फाइनली हमारी रॉक्स में जो जो बेसिक काम था वो यहाँ पर रेडी होगी, फ्रंट लुक से लगता नहीं भाई इसमें कोई काम है, तो आ जाओ भाई आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर जो हमारा काम है वो हमारा है इन साइड के अंदर, जो यहाँ पर हमने लगाए भाई इसके अंदर एसी वेंट। मैं एक बार आपको एसी वेंट इसके जला के दिखा देता हूँ, ये चेक करो, ये देखो भाई इसके अंदर एसी वेंट लगाया। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको एक खास चीज दिखाऊंगा, मतलब बहुत जबरदस्त चीज लगाई है जिसकी गाड़ी के अंदर खासकर कमी थी, और वो इतनी प्यारी चीज है कि आप भाई अपनी रॉक में और थार में जरूर लगवाओगे। तो ये चेक करो, यहाँ एसी वेंट के साथ था, नीचे जो मैट लगा है वो बुलोन कंपनी का प्रॉपर फिटमेंट के संग 70 मैट है भाई। ये वाला मैट ना डिग्गी मैट भी आता है इसके अंदर, तो आज मैं आपको डिग्गी मैट भी दिखाता हूँ, और जो खास चीज है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर, ये देखो।
तो खास चीज जो है हमारी भाई वो ये है कि हमने इस गाड़ी के अंदर सबवूफर लगाया है। सबसे पहले एक मैट दिखाता हूँ आपका, जो इसके अंदर बूट मैट लगा है, जो मैट साथ में आता पूरा। भाई सबवूफर चेक करो, एक्चुअली भैया की डिमांड थी, मेरे पास एक पुराना बूफर रखा है वो लगा दो, लेकिन मैंने इनकी गाड़ी में भैया की मेगा ऑडियो कंपनी का भाई ड्यूल सबवूफर वाला लगाया। इसमें क्या है, इसमें दो बूफर है, अगर आप चेक करो तो एक बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में। साथ में इसके अंदर यहाँ पर अगर आप चेक करो तो मोनो एम्पलीफायर लगा हुआ है, मतलब मोनो एम्पलीफायर कहते हैं ये मेटल बॉडी के अंदर है। इस बूफर का जो बेस है ना वो ऑलमोस्ट भाई 12 इंची के बेस के मुकाबले में, मैं आपको एक बार क्योंकि सुनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, जनरली भैया से एक बार पूछा जाता हूँ, भैया एक आपको कैप्चर में ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी गाड़ी में बूफर लगाया अभी हमने, मतलब जब मैंने भैया को बूफर दिखाया तो शायद भैया के माइंड में आया होगा कि छोटा सा बूफर है, बजेगा या नहीं बजेगा, ये देखिए ले भैया। लेकिन मैंने कहा था भैया जो 12 इंची का सोनी का बूफर होता है ना उससे बढ़िया बजेगा और एक लाउडनेस देगा गाड़ी के अंदर, लेकिन क्वालिटी वाली। भैया एक छोटा सा जो बॉक्स है आपको देखने में लगा, बेस जो आपको लगा गाड़ी के अंदर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी बेस की पूरी हो गई पूरी भाई, मतलब छोटी सी चीज के अंदर ना बड़ा धमाका है, इतना बढ़िया बेस बज रहा है। 8-8 इंची के ना दो बूफर है, आपको लगेगा नहीं कि आपने 8 इंची का इतना छोटा सा बॉक्स डाला, आपको लगेगा आपने प्रॉपर 12 इंची का एक बेस डाला हुआ। तो वो वाला कंसेप्ट इस गाड़ी में था, ये कंसेप्ट हम थार में भी करते रहे अब तक, क्योंकि बूट स्पेस बहुत कम था। तो ये बूट स्पोर्ट्स के साथ साथ भाई इसके अंदर ना ये गाड़ी थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट के साथ साथ आ जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट है, तो आपको गाड़ी के अंदर एक अच्छा थंबनेल चाहिए कि गाने के साथ साथ बेस क्वालिटी 12 इंची वाली आए और आवाज में कहीं से कुछ वाइब्रेशन ना आए। तो उसके लिए क्या करना भाई, उसके लिए आपको ये वाला बूफर लगवाना है अपनी गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल हमारे पास ये कंसेप्ट था आज थार रॉक्स के अंदर। नेक्स्ट टाइम जो इसकी कुछ आइटम हमारे पास आने वाली तो वो भी करेंगे भैया की गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं भाई अपनी ये वाली थार पे। ये भी जो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो अब इसको भी दिखाते हैं। ये चेक करो रॉक्स की हेडलाइट और ये थार की हेडलाइट, थोड़ी आपको सिमिलर लगेगी, उसकी वजह ये क्योंकि हमने इस थार के अंदर जो हेडलाइट डाली वो डाली हमने DSC कंपनी की, एक ब्रांड डाला भाई इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमने आपको ये दो आइटम क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हेडलाइट हमने वो DSC ब्रांड की डाली है, साथ में जो फोगलाइट के अंदर LED डाली है ना हमने वो भी DSC ब्रांड की ओरिजिनल 130 वॉट के अंदर, जिसकी MRP यहाँ पर आपको मिल रही है ऑलमोस्ट 8,000 रुपये की। तो मार्केट के अंदर इसका सेलिंग प्राइस जो है लगभग 6,000-6,500 रुपये का। तो साथ में क्यों दिखा रहा हूँ, साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ भाई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉम्बो ऑफर जो अभी फिलहाल चल रहा है वही चल रहा है भाई, हेडलाइट के साथ, हेडलाइट भी होलसेल प्राइस में मिल रही है आपको, उसके साथ ये जो LED है ये साथ में बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ हमने भैया की गाड़ी में जो हेडलाइट लगाई उसके साथ हमने फोगलाइट की LED बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई है। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर DRL जो है डबल लाइन में लगा दिए, ग्रिल जो है ये बुलॉन की ग्रिल नहीं है भाई, मैं आपको मेजरली एक फर्क दिखाता हूँ। अब आप चेक करो कि इस गाड़ी में जो ग्रिल लगी हुई है ना, पहले भाइयों को निकलने देते हैं तो उसके बाद चेक करो, ये आप जनरली चेक करो जो ग्रिल आप चेक करो गाड़ी के अंदर, इस ग्रिल को आप देखो, मैं आपको ओरिजिनल बुलॉन की ग्रिल भी दिखाऊंगा, आपको फर्क बताऊंगा कि आपको बेसिकली ये दिखा रहा हूँ कि ये जो मार्केट की ग्रिल है वो ये वाली है, बुलॉन की ग्रिल मैं आपको शॉप के अंदर चल के दिखाऊंगा। फिलहाल गाड़ी के इनसाइड की बात करूँ तो यहाँ पर भाई K3 डिजाइन के AC में लग गए हैं, गाड़ी की ओरिजिनल कैमरा भी भैया की गाड़ी में यहाँ पर लग रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आमरेज वगैरह जो भी है फिटमेंट वाली चीज़ें वो लग रही है। और पीछे बात करूँ तो भाई इसके अंदर गाड़ी के अंदर हमने स्टेयरिंग कवर वगैरह भी, उसके बाद आपकी गाड़ी के अंदर जो हमारे पीछे बैकलाइट में तो कुछ नहीं लगा। तो ये बेसिकली इस गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी के अंदर मेजरली ज़्यादा काम नहीं था हमारा, तो इस गाड़ी के अंदर हमारा मेन जो काम था वो था DSC की हेडलाइट। आमरेज चेक करो आपकी, आमरेज जो है हमारा ये वाला मॉडल आप चेक करो, इस आमरेज की जो कॉस्टिंग है ना भाई, ये दो रियर के एक इसमें फ्रंट भी लगेगा, तो फ्रंट वाला जो आमरेस्ट है और रियर वाले तीनों मिला के भाई पता कितने रुपए के सेल प्राइस में, सिर्फ 4,000 रुपए के अंदर हम तीनों आइटम देते हैं। उसके साथ भाई इस गाड़ी के अंदर चेक करो तो बूफर भी लगा है, बूफर इनके पास भैया का पहले का था, साथ में एम्पलीफायर और हमने ओल्ड वाला नया एक बॉक्स डाला है, तो ऑडियो सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर डाला। उसके बाद भाई मैं फिर से बात करूँ इस गाड़ी की तो बात ही अलग है, और एक गाड़ी आप वो देखो वाली गाड़ी के अंदर जो दिल्ली नंबर गाड़ी आई हुई है उसके अंदर भी काम चल रहा था, उसके अंदर भी बेसिक काम है, बस हमारा काम है आपको अपनी वर्किंग दिखाना है कि किस लेवल का काम कहाँ कहाँ तक होता है हमारे पास, कैसा कैसा काम है। बेसिकली आज जो चीज़ हमारे पास नई एड ऑन होती है वो दिखाते हैं भाई, एक सुपीरियर एक प्रीमियम कलर के संग थार रॉक्स जो हमारे पास आज आई थी, और इसके अलावा एक गाड़ी और आई थी बट उसमें सिर्फ मैटिंग का काम था आज भी, तो वो हमने कैप्चर नहीं करी, हमने कैप्चर करी भाई एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गाड़ी। ये चेक करो गाड़ी भाई, मतलब मेरा तो ना इससे नजर नहीं हटती, इतनी अल्टीमेट लगती है ये गाड़ी। एक तो कलर इतना प्यारा ना इस गाड़ी का, ये देखो भाई ये पूरी ना पूरी रेंगुलर लुक मारती गाड़ी। एक इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी बुलॉन कंपनी की काफ़ी नई नई आइटम है जो अभी धीरे धीरे कंपनी लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले तो बम्पर भाई आपको बताऊँ, थार रॉक्स के अंदर जो भी आप बम्पर देख रहे हो वो बम्पर जो है वो थार का बम्पर है, वो रॉक्स का बम्पर नहीं है, क्योंकि रॉक्स का बम्पर थार के बम्पर में भाई फर्क है साइज का। अभी आपको अगर प्रॉपर रॉक्स के बम्पर का साइज चाहिए तो वो कंपनी अभी धीरे धीरे आपको बना के देगी, करके देगी, लेकिन
जो अभी हम गाड़ी में लगा रहे हैं या कोई लगा रहा है, हमने तो नहीं लगाया, जो लगा रहा है वो जुगाड़ से लग रहा है, तो वो जुगाड़ वाला काम ना करके अगर हम ओरिजिनल काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर वो भी हम आपको दे देंगे कंपनी का प्रॉपर बम्पर ओरिजिनल वाला। तो यहाँ गाड़ी का देख लो भाई, कैप्चरिंग गाड़ी निकलते हो कितनी सुंदर लग रही है। अब इसके आगे तो भाई थ्री डोर थार जो है थोड़ी फीकी पड़ रही है, बट लेकिन ठीक है, वो भी गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल है और ये भी नेक्स्ट लेवल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले भाई यहाँ पर कि आपके अगर आपको मैं एक बार ग्रिल का कैप्चर भी दिखाया था आज शॉप के अंदर, तो ये चेक करो भाई, ये वाली जो ग्रिल है ये बुलोन की ग्रिल है, इसके अंदर आप फर्क चेक करो। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाया था, ये देखो मेजरली इतना फर्क है। इसके पीछे आपको एयर मैच भी मिलेगी मेटल की, उसमें एयर मैच नहीं थी। ये डिजाइन जो है आपको ये रैंगलर 2024 ओरिजिनल डिजाइन मिलेगा, वो डिजाइन में बहुत फर्क है क्योंकि ये हम डिजाइन कॉपी जो कंपनी करती है वो करती है रैंगलर ओरिजिनल। ये रैंगलर 2024 जो नहीं आई है उसके अंदर ये एग्जैक्टली सेम डिजाइन आ रहा है। आपको ग्रिल की बात करूँ तो वो वाला जो सेवन फ्लोर ग्रिल है वो भी बुलोन कंपनी की ग्रिल है, वो रैंगलर वाला डिजाइन जो नॉर्मल कॉमन आता है। नीचे की बात करेंगे, ये डबल स्लेट के अंदर एक डिजाइन आया नया, ये कोई रैंगलर डिजाइन नहीं, बट ये क्या है एग्जैक्टली सेम रैंगलर स्टाइल है, बट इसमें स्लेट डबल है। तो ये ग्रिल भी हमारे पास स्टॉक में, उसके अलावा बाकी सारी चीजें होलसेल प्राइस के अंदर यहाँ आपको एक एक सेट भी मिल जाता है। भाई अगर आप बंपर की बात करो तो ये वाला बंपर भी बहुत हॉट सेलिंग है, और ये बंपर भी हमारे पास रॉक्स के लिए आने वाला है। ये तो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको रॉक के लिए, मे बी इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही आपको शायद हो सकता है रॉक में लगा हुआ बंपर मिल जाए, क्योंकि गाड़ी हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुकी है बंपर लगने के लिए, बट होल्ड पे है क्योंकि उसके लिए बंपर अभी कंपनी ने नहीं दिया। तो देने वाली कंपनी ये वाला बंपर और ये वाली जो ग्रिल है सेवन स्लॉट ग्रिल, वो भी प्रॉपर रॉक्स के लिए, वो भी हमारे पास आने वाली है। तो इसका पूरा सेगमेंट आपको रॉक्स का दिखाएंगे फुल मॉडिफिकेशन के साथ में। फिलहाल रॉक्स का जो महिंद्रा वाले पार्ट्स आप ये चेक करो, तो ये महिंद्रा वाले पार्ट्स के अंदर हमारे पास जितने भी रॉक्स की आइटम होती हैं यहाँ चेक करो भाई, ये लिखा हुआ है देखो, रॉक्स के हैंडल, रॉक्स के फोक कवर, ये जो भी है ये सब रॉक्स का सामान जो है इसके साथ साथ था के साथ था, ये वाला भी सारा आपको मिल जाएगा स्टॉक में। तो जैसे भी मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन आपने करवानी, अगर आपने सामान को डिस्पैच करके मंगाना और फिटमेंट की कोई इश्यू आता तो उसके लिए हम टेक्नीशियन का नंबर भी दे देते हैं, आपकी फिटमेंट भी बड़ी ईजी लेवल पर हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।